शेयर मार्केट में किस नज़र से देखें हम शेयर मार्केट को एक है इंट्राडे भी है ऑप्शन चेन भी है और एक इन्वेस्टिंग भी है तो हम अभी तो इन्वेस्टिंग कर रहे हैं लेकिन बहुत मन है कि हम इंट्राडे में जाएं। अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं तो कहूँगा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करिए अब मैं ये नहीं कह रहा बाकी सब गलत है ये मेरा अपना ओपिनियन है सर जैसे कि वीडियो हम देखते हैं इंट्राडे का जो चल अक्सर चलते रहता है इंस्टाग्राम पर तो हम उस उसपे क्या करें स्टैटिस्टिकली आप देखो कि कितने लोग स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में घुसते हैं उसमें से कितने पैसा कमाते हैं कितने नहीं कमाते हैं अब उसके पीछे वजह क्या है आप कोई भी काम करते हो तो उसके लिए पहले एक क्वालिफिकेशन होती है यानी पहले आप उस काम को दो साल पाँच साल दस साल सीखते हो जैसे आपको डॉक्टर बनना है तो पहले आप पाँच सात साल सीखोगे कॉलेज में जाकर के फिर आप अपनी प्रैक्टिस शुरू करोगे ऐसे इंजीनियरिंग में होता है ऐसे ही सीए में होता है बट क्या यहाँ पर ऐसा होता है सर मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने बैंक निफ्टी और निफ्टी में uh, ट्रेडिंग की वो मेरा फर्स्ट प्रॉफिट में आया और आपके अंदर एक लालच आ जाता है उसके बाद उसके बाद जो मैंने धड़ाके से लॉसेस लिए कि कभी आठ हजार का लॉस हो रहा है और कभी कुछ हो रहा है थर्टी फाइव थाउजेंड के लॉस के बाद मुझे समझ आ गया कि ये मेरे बस का नहीं है क्योंकि मुझे इसकी नॉलेज नहीं है देन मैंने इन्वेस्टिंग uh, स्टार्ट की और आज मैं इतनी श्योर हूँ इस चीज़ पर कि मेरा पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है और मैं सबको यही बोलूंगी कि प्लीज इन्वेस्टिंग करो कि ट्रेडिंग मत करो क्योंकि ये बहुत ही बेकार चीज है मैंने कई ऐसे लोगों से भी बात की है जो कहते हैं फ्लैट्स बिक गए लोगों के घर बिक गए ट्रेडिंग के चक्कर में सर मुझे लगता है कि इंट्राडे बेकार चीज़ नहीं है भले एक्सपीरियंस की कमी है आप दोनों खड़े हो जाइए एक एक माइक दोनों को दे दीजिए बस एक दूसरे के ऊपर माइक मत फेंकीेगा नहीं करनी है। वर्बली बात कर सकते है। जो इंटर डे है वो बेकार इसलिए पैसा एक बहुत ऐसी है जो के पास से चला गया ना तो इंटर डे में एक बार लॉस हो गया बंदा यही सोचता है की कि किसी भी तरह रिकवर हो जाए फिर वो और ट्रेड करता है फिर वो और ट्रेड करता है तो इससे वहाँ पे चीजें खराब हो जाती है सही होने की बजाय अगर इसमें एक्सपीरियंस है तोरोसेंट चांस है लेकिन चांस है ये हमें फ्यूचर में दिखता है कि एक ऑप्शन है अगर आपके पास में रिस्क कैपिटल है रिस्क कैपिटल का मतलब क्या होता है कि अगर वो पैसा डूब भी जाए तो फर्क नहीं पड़ता है तो आप वो कर सकते हैं क्योंकि आपको ये बात को एक्सेप्ट करना होगा जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि किसी भी और फील्ड में आप पहले चार पांच साल लगाते हो कोई डिग्री लेते हो डिप्लोमा लेते हो फिर काम करना शुरू करते हो फिर भी उसके बाद में इंटर्नशिप होती है उसके बाद में भी पहले आप जूनियर लेवल से शुरू करते हो फिर जाकर के कैसा लेवल आता है जब एक्चुअल में आप काम करना शुरू करते हो यानी पहले आप पांच दस साल एक काम को सीखते हो फिर वहां से पैसा आना शुरू होता है यहां पे प्रॉब्लम क्या है कि आपने इंस्टाग्राम पे थोड़ी सी वीडियोस देखी यूट्यूब पे थोड़ी सी वीडियोस देखी और जिनकी देखी उस पर भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि किसकी वीडियोज देख रहे हो आप ऐसे लोग जो वीडियोज बना रहे हैं उसमें से नाइन्टी से ज्यादा जो दिखा रहे हैं उसकी रियालिटी उससे बिल्कुल अलग है उन्होंने एक्चुअल में इस फॉर्मूला को क्रैक नहीं किया है कि इंट्राडे से ऑप्शन से पैसा कैसे कमाना है क्योंकि अगर कर लिया होता तो यूट्यूब पे आकर आपको यह बोलने की अगर आप इसको सीखना चाहते हैं तो यहाँ नीचे मेरा लिंक है उस पर क्लिक करिए और जा करके कोर्स करिए इसकी जरूरत ही नहीं होती और ये लोग जिनका नाम लेते हैं कि वर्ल्ड के सबसे सक्सेसफुल इंटराडे ट्रेडर्स हैं जिन्होंने दस बिलियन डॉलर कमाया है बीस बिलियन डॉलर कमाया है क्या वो ऐसे कोर्सेस बेच रहे हैं क्यों नहीं बेच रहे क्योंकि जिसके बैंक अकाउंट में दस बिलियन डॉलर पड़ा है वो दस हजार का कोर्स क्यों बेचेगा सबसे पहले तो अगर आपको सीखना ही है कसम खा ली कि नहीं भैया हम तो सीख के रहेंगे पैसा नहीं है लेकिन हम सीख के रहेंगे कि क्या होता है तो भाई दो सौ तीन सौ रुपये की किताब आती है ऐसे लोगों की जो हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे पिछले बीस तीस साल में जिन्होंने एक्चुअल में इसमें पैसा कमाया है ऐसे बहुत कम लोग हैं पूरी दुनिया में गिने चुने हैं और उनकी किताबें हैं तो वो किताबें पढ़ लो आपने कहीं जॉब करी बहुत पैसा कमा लिया दस बीस लाख रुपए पड़ा है आपके बैंक अकाउंट में जिसमें से अगर आपको पता है कि अगर दो चार लाख रुपए डूब भी जाए तो फर्क नहीं पड़ता है तब आपको ये करना चाहिए मेरे स्टैंड पॉइंट से और तब भी अगर आपको ये करना है तो सीखना चाहिए ऐसे लोगों से जिनको एक्चुअल में पता है कि इसमें पैसा कैसे बनाते हैं ऐसे लोगों से नहीं जो आपको सिखा करके पैसा बना रहे हैं <laughs> जब आप सही जगह से सीख लोगे उसके बाद में ये सोच करके इसमें एंटर करो कि 99% चांसेस हैं कि पैसा डूबेगा तो उसके लिए तैयार रहो और पैसा डुबोने के लिए पहले पैसा होना तो चाहिए <laughs> तो बहुत सारे लोग जो ये स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में घुसते हैं वो ये दस बीस हजार रुपए का जो कोर्स खरीदते हैं ऐसे लोगों से जिनको खुद कुछ नहीं आता है वो दस बीस हजार रुपए मुश्किल से अरेंज कर पाते हैं उसके बाद जो पैसा लगाने के लिए पैसा चाहिए वो उनके भाई नहीं पहले बीस हजार रुपए दस बंदों से इकट्ठा किया दो दो हजार रुपये लेकर के वो रोज फोन कर रहे हैं भाई मेरे पैसे कब लौटाएगा अब भाई पैसा कमाने के लिए पैसा लगाना तो पड़ेगा और ये कोई जादुई जड़ी बूटी नहीं है जैसा आप समझते हो इसके पीछे की मैथ्स को समझो जो आपको नहीं कोई समझाता है इनफैक्ट आप फर्क कैसे करोगे कि कोई भी इंसान अगर इसके बारे में बात कर रहा है वो जेनुन है फ्रॉड है जो जेन्य इंसान होगा वो बात करेगा लॉन्ग टर्म की इवन इन शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अब देखना कितना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है यहां पर सुनने में आप कहोगे कि अरे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म की बात क्यों इसलिए क्योंकि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में आपने एक दिन में कितना कमाया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अगले दिन में गवा दिया फर्क इससे पड़ता है कि पूरे साल के एंड में कितना कमाया पांच साल में कितना कमाया शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करके करके ये मैटर करता है या ये मैटर करता है कि एक दिन में आपने पचास हजार रुपया लगाया पचास हजार का एक लाख हो गया अगले दिन एक लाख का जीरो भी तो हो गया वो कहां है वो तो कोई बता ही नहीं रहा है आपको तो जो भी इंसान थोड़ा सा भी सेंसिबल होगा जिसमें थोड़ा सा भी दिमाग होगा या जो एक्चुअल में समझता होगा ये क्या है वो बात करेगा एनुअलाइज रिटर्न के बारे में कि पूरे साल का आप कितना कमा सकते हो वो कितनी होती है वर्ल्ड के सारे जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं उनको देख लो वॉरेन बफेट ने जनरेट करी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के थ्रू ओवर अ पीरियड ऑफ अ रिटर्न ऑफ क्लोज टू अराउंड ट्वेंटी परसेंट कैगर कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट बीस जो भी ऐसे इंट्राडे वाले सक्सेसफुल ट्रेडर्स हुए हैं उनकी भी अगर आप नेटवर्क देखोगे इतनी नहीं है जितनी है। जितनी वॉरेन बफेट की बट मान लो उनको टाइम भी कम हुआ है तो बीस तीस साल में चालीस परसेंट के बीच मेंसेंट दैट मींस यू कैन एक्सपेक्ट टू अर्न 30 परसेंट पर ईयर इन क्या के जो पैसा लगाओगे वो सारा डूबेगा बट मेरी बातें बहुत कम लोगों को समझ आएगी क्योंकि लोगों का ब्रेन वॉश हो चुका होता है ऐसी वीडियोस तो 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 साल की सौ परसेंट की रिटर्न आ जाएगी दो सौ की आ जाएगी पांच सौ की आ जाएगी ये सब बकवास है लोग क्या सोच करके घुस रहे हैं कि मैंने पचास हजार रुपए लगाया आज और एक महीने बाद ये पचास हजार रुपए का एक लाख हो जाएगा मतलब कितनी रिटर्न हो गई टू हंड्रेड परसेंट पर मंथ साल की कितनी हो गई ढाई हजार परसेंट अरे तो मेरे प्यारे घोचू हो <laughs> उनको बोल रहा हूं जो ऐसा कुछ कर रहे हैं करने के बारे में सोच रहे हैं अगर एक्चुअल में ढाई हजार परसेंट छोड़ो हजार परसेंट की भी रिटर्न हो हजार छोड़ो सौ परसेंट की भी रिटर्न हो तो लोगों के पास पैसे की कमी है क्या वो लोग तो बेवकूफ हैं जो अरबों खरबों रुपए लगा करके एक बिजनेस करते हैं इतनी सरदर्दी लेते हैं इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगाते हैं लाखों लोगों को सैलरी देते हैं उसके बाद में रिटर्न जनरेट करते हैं जिसको बोलते हैं आर रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ क्लोज टू अराउंड दस से पंद्रह परसेंट परसेंट और आप कह रहे हो आप पहले अपनी शक्ल जाकर के शीशे में देखो कि जो दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं उनकी शक्लें देखो यानी इलोन मस्क की शक्ल देखो और फिर अपनी शक्ल देखो क्या उस शकल को देख करके आपको सच में लग रहा है कि आप 2000 परसेंट रिटर्न जनरेट करोगे साल की और इलोन मस्क नहीं कर पाएगा या तो आप मस्क को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हो या आप खुद को बहुत ज्यादा ओवर एस्टिमेट कर रहे हो अगर इतनी सी बात समझ आ जाएगी तो बच जाओगे और अभी सबसे मजेदार बात बताता हूं अब मैंने बोल तो दिया है इस वीडियो के आप कमेंट सेक्शन में जाकर के देखना वो लोग जिनके भले के लिए मैं ये बोल रहा हूँ वही मुझे गालियां निकालेंगे अरे सर आपको कुछ नहीं पता करो स्टूडेंट हो जिसकी जेब में हजार रुपए नहीं है बातें कर रहे हो बड़ी बड़ी अरे भाई अगर बेस्ट सिनेरियो में आप 40 परसेंट की भी रिटर्न निकालते हो और आपका जो रिस्क कैपिटल है वो है बीस हजार रुपए तो आपने एक साल में कितना कमाया बीस हजार रुपए से आपने शुरुआत करी किसी दिन प्रॉफिट हुआ किसी दिन लॉस हुआ साल के एंड में रिटर्न आई बेस्ट सीनैरियो चालीस परसेंट तो आपने पूरे साल में कितना कमाया आठ हजार रुपए महीने का कितना कमाया अरे तो छे सौ रुपए महीने पे क्यों काम कर रहे हो अपनी वैल्यू इतनी क्यों गिरा दी है आपने और यह है बेस्ट के सिनेरियो गए जा करके स्टॉक मार्केट का कोई बढ़िया सा कोर्स किया जो एक्चुअल में घटिया है और फिर जा करके पैसा लगा दिया मार्केट में उधार लेकर के और गेम खेल गए दस लाख का अब दस लाख के नीचे आ गए हैं अरे भिखारी से भी गई गुजरी हालत है भिखारी को दस लाख रुपए किसका देना है भिखारी को तो सिर्फ आना है जाना कुछ भी नहीं है भिखारी से कभी आप भीख मांगते हो बट ऐसे लोगों से तो लोग मांगने आ जाते हैं ना पैसे दरवाजे पे कि भाई तूने हमसे पैसे लिए थे दे चुका तो आपकी ऐसी हालत ना हो इसलिए मैं ये बात कर रहा हूं क्योंकि मैं देख पा रहा हूं कि ऐसा क्या होगा आपके साथ में इस रास्ते पे चल करके आपकी हेल्थ की धज्जियां उड़ेगी पैसा अब ये वर्ड तो हम यूज करते हैं पैसा बट बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं स्कूल के कॉलेज के जो आजकल ऐसे स्कैम्स में फंस रहे हैं उनको पता ही नहीं है कि पैसे का एक्चुअल में मतलब क्या है क्योंकि कभी जिंदगी में खुद तो कमाया है नहीं माँ बाप ने कमाया तो उनको पैसे की एक्चुअल में वैल्यू पता ही नहीं है उनको पता ही नहीं है है पैसा होता क्या है। जो मांगा वो मिल गया मुझे ना मोबाइल फोन चाहिए मिल गया मुझे ना लैपटॉप चाहिए मिल गया कैसे मिला वो सिर्फ उसका बाप जानता है या मां जानती है पैसा क्या होता है पैसा ये हवा और पानी से कम नहीं है अगर आपको हवा ना मिले सांस लेने के लिए तो जो आपकी हालत होगी ना पांच मिनट बाद ऐसी हालत होती है जब पैसा नहीं होता है आपके पास में ये है पैसा और उस पैसे को आप उड़ाने की बात कर रहे हो ऐसे कुछ लोगों की बातों में आकर के जो बिल्कुल नकली है एक नंबर के स्कैमर्स हैं और उनके लिए आकर के मेरे से लड़ रहे हो कमेंट सेक्शन में <laughs> ये जो लोग ऐसे स्कैम्स में फंस रहे हैं उनको पता ही नहीं है पहले तो कि पैसा होता क्या है पैसे की वैल्यू क्या है क्योंकि वही उड़ा सकता है अपना पैसा ऐसी जगहों पर उनके माँ बाप नहीं उड़ाएंगे क्योंकि उनको पता है पैसा कैसे कमाया जाता है कितनी मेहनत करी जाती है कितना एफर्ट किया जाता है तब जाकर के थोड़ा सा पैसा हाथ में आता है तो इसलिए मैं ये बातें कर रहा हूं ताकि उन बच्चों को थोड़ी सी अकल आए कि ये जो इंस्टाग्राम पे बैठ करके रील्स देखते हैं यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखते हैं फिर वो वहां से कहीं और आपको डाइवर्ट करते हैं और आपको लगता है कि फ्री ही तो है अरे फ्री नहीं होता है हमारी वेबसाइट है वहां पे जाकर के रजिस्टर करो फ्री है वहां पे आपको एक फ्री कोर्स मिलेगा फ्री बुक मिलेगी फ्री सेशन मिलेगा फ्री नहीं है वहां पे उनको आपका डेटा मिल गया जो डेटा अगर वैसे खरीदना पड़ता तो उसके पैसे लगते एक बार उनके पास आपका डेटा आ गया तो अब आपको कुछ ना कुछ बेच के ही रहेंगे वो और उनका दिमाग ये चलेगा कि कैसे बार बार आपको बेचा जाए एक बार नहीं पहली बार में कुछ छोटा बेचा जाएगा समझ करके कि आपका लेवल क्या है अगर आपका लेवल पचास हजार का है तो आपके लिए रुपए छोटा अमाउंट है तो बीस हजार का आपको कुछ बेच दिया जाएगा आपका लेवल दस हजार का है तो आपको दो हजार का कुछ करो। फिर आपको मिलेगा इसका। फिर लाइव सेशन आपको मिलेगा फिर ये मिलेगा फिर वो मिलेगा उसके लिए दस रुपए और दो फिर बीस हजार और दो फिर पचास हजार और दो फिर एक लाख और दो अब ये पैसा है किसका स्कूल के बच्चे हैं इनके माँ बाप का जो पैसा उनके पास कहां से आ रहा है दस साल बीस साल तीस साल मेहनत करके तो इनर जो भी अभी तक मैंने कहा अगर उसको सम अप करना हो तो वो क्या है कि अगर आपको ये सब करना है कोई बुराई नहीं है करो कब करो जब बैंक में पांच दस लाख रुपए हो क्योंकि तभी इसका कोई सेंस बनता है अगर बैंक में ही बीस हजार रुपये है तो इसका कोई सेंस नहीं बनता है अभी मैंने कैलकुलेशन करके आपको बताया चालीस परसेंट भी आया तो आठ हजार रुपए आया साल का उससे कोई करोड़पति नहीं बन गए आप हाँ बैंक में दस लाख रुपए है और फिर चालीस परसेंट यानी चार लाख एक साल का आया तो दस लाख का हो गया चौदह लाख ऐसे कर करके अगले पांच दस साल में बीस साल में वो भर सकता है लेकिन वहां पर भी कोई मैजिक नहीं होने वाला है बट सिर्फ ये एक रास्ता नहीं है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के थ्रू भी आ सकता है अपना बिजनेस करके भी आ सकता है देर आर अदर वेज ऑफ डूइंग इट दिस इज नॉट दी ओनली ऑप्शन जैसा कि वो लोग आपको दिखा रहे हैं देर आर मेनी अदर ऑप्शन विच आर मच बेटर देन दिस जहां पर रिस्क कम है रिटर्न आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है